ਸ੍ਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ 12 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਟ ਜੀ बहुत ही आदरणीय पूरे भारतवर्ष से आए हुए किसान साथियों, आज हमको भाषण देने के लिए स्टेज पे नहीं आए, कल भाषण दे गए थे। आप सबको पता हफ्ता दस दिन में भाषण के लिए आते हैं। आज हम दो शब्द उन महापुरुषों के बारे में बोलने आए हैं जिनको हम हरियाणा के अंदर छोटा राम के नाम से जानते हैं, परमात्मा। आपने सर छोटू राम का नाम सुना होगा, इनका छोटू राम नाम नहीं था। चार नाम सुने होंगे आपने इनके, रैबरे आजम, दीन बंधु, सर छोटू राम, ये चारों उपाधियां हैं, नाम नहीं है। इनकी मां ने तो इनका नाम राम रिछपाल रखा था। मैं इनकी जन्म के बारे में ज्यादा और बातें नहीं कहूंगा क्योंकि ये किताबों में लिखी गई है। इनके आदर्श के बारे में बताऊंगा, ये हमारे लिए क्या रास्ता छोड़ करके गए थे। सर छोटू राम ने गरीबी के हालत में जब जन्म लिया, उनके सामने साहूकार ने, उनके पिताजी के सामने जो व्यवहार किया, उनके दिल के ऊपर चुभ गया। वो स्वभाव से नटखट तो थे मगर पढ़ाई में बड़े होशियार थे। गरीबी के बावजूद वजीफे से उन्होंने सारी पढ़ाई की। दो घटनाएं उनके विद्यार्थी जीवन की है। एक घटना, जब वो 8वीं क्लास पास करके दिल्ली के अंदर एडमिशन के लिए, उनके पिताजी के पास पैसा नहीं था, उन्होंने जिद की कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। उनके पिताजी उनको साहूकार के पास लेकर के गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, कृपया मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, पैसे दीजिए। साहूकार ने, एक उस जमाने में पंखा होता था जिसकी डोरी खींची जाती थी और खींच करके छोड़ दी जाती थी, वो कपड़े का पंखा होता, अपने आप हवा करता था। साहूकार का लड़का उनके सामने बैठा था, उनकी बजाय वो डोरी छोटू राम की तरफ फेंकी और कहने लगा, बेटे इसको घुमा, खेच डोरी। सर छोटू राम ने देखा कि इसके लड़के की तरफ क्यों नहीं फेंक रहा, मेरी तरफ क्यों फेंक रहा है, शायद मेरे पिताजी इसका कर्जवान है इसलिए। वो बात दिल में घर कर गई और वहां से बगैर बोले बाहर निकल गए और मन में ठान लिया, कभी परमात्मा ने चाहा, मेरे हाथ में कभी पावर आई, मैं सबसे पहले इस कर्ज का नाश करूंगा। दूसरी घटना, जब वह जज्जर के अंदर पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, पैसा नहीं था, घर से चून पिसवा करके अपनी माता से घी और दाल सिर के ऊपर लेकर के जाते थे, साधन नहीं था, कोई ट्रैफिक का इंतजाम नहीं था, कोई किराए पर अगर कोई घोड़ा गाड़ी ले जाए तो पैसा नहीं था, 15-15 दिन का राशन सिर के ऊपर ले जाकर के स्कूल में खुद खाना बना करके वो पढ़ते थे। उन्होंने वो गरीबी झेली। दूसरा संकल्प लिया, अगर परमात्मा ने मेरे को समय दिया
मेरे हाथ में ताकत दी, मैं घर घर स्कूल बना दूंगा, हर गांव गांव में, हर जिले में कॉलेज खुलवा दूंगा। उन्होंने वकालत भी करी, बहुत से साथियों ने उनके बारे में बताया, मैं वो नहीं बता रहा जो उनके साथ बीते, जो उन्होंने कागज उनका रिजल्ट आया वो बताऊंगा। जब वो कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, जिला रोहतक के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उसमें गांधी जी ने एक फैसला लिया ऐसा आयोग आंदोलन चलाने का, तब उन्होंने गांधी जी से समय मांगा कि मेरे को समय चाहिए मिलने के लिए। आज के नेतागिर उनके नेता की क्वालिटी देखिए, सोच देखिए, अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की उनकी मादा देखिए। मैं बताता हूं आपको, आज अगर छोटा सा भी पद किसी को मिल जाता है तो वो चिपक करके बैठ जाता है, समाज को भूल जाता है, अपनी जेब भरता है। और वो क्या थे उस जमाने में, गांधी जी का विकल्प नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, गांधी जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी की। उन्होंने गांधी जी से क्षमा मांगा, क्षमा नहीं मिला, फिर लेटर लिखा कि आप जो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं इसके अंदर आपने आह्वान किया है कि किसान माल नहीं भरेगा। माल को समझते हो आप, नहीं समझते? माल गुजारी बोलते थे, मालिया बोलते आप, लगान। और उस समय कानून था अगर कोई लगान नहीं भरेगा तो उसकी जमीन सरकार कुड़क कर लेगी। सर छोटू राम ने कहा गांधी जी आप लगान के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है मैं आपका साथ देता हूं, मगर मेरा किसान अगर 3-4 साल तक लगान नहीं भरा गया वो कर्जवान हो जाएगा और जमीन सरकार कुड़क कर लेगी। क्या आपके पास उसका कोई जवाब है? क्या आप उसके उसकी जमीन के लिए लड़ेंगे? क्या आप उसकी जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे? गांधी जी के पास को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहना कह दिया कि मैं आपकी कांग्रेस में काम नहीं कर सकता, मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं रहूंगा जहां मेरे किसान का या गांव में बसने वाले मजदूर का नुकसान हो। एक जमाना था इस देश के अंदर आम इंसान को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने एक एक्ट लेकर के आया, हालांकि पूरी कांग्रेस नहीं पूरा हिंदुस्तान भी उसका विरोध कर रहा था, सरमाएदार का वोट होता था, ज्यादा बड़ा सरमाएदार जो पूंजीपति था उसका वोट होता था, हमारा वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। अंग्रेज सरकार वो अधिकार देना चाहती थी मगर कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। इस देश के अंदर मात्र 2 नेता थे जिन्होंने उसका स्वागत किया था, एक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे थे सर छोटू राम, कि अगर आम आदमी को वोट का अधिकार मिला तो हम अपनी आवाज उठाने का अधिकार हमें साथ में मिल जाएगा। वो अपने आदर्श के लिए किसी से भी टकरा जाते थे। साथियों मैं अब उन बातों के ऊपर आ रहा हूं, जब वो पंजाब की असेंबली में जीत करके एक पार्टी बढ़ा करके मिनिस्टर बने, सर सिकंदर हयात खान की अध्यक्षता में वो सरकार थी, उनके अंदर 4 कानून लाए गए, एक रहन का कानून था, एक कर्जे का कानून था, एक काश्तकारी का कानून था, एक लेबर के घंटे का कानून था, मजदूरों के घंटे का कानून, और एक कानून यह मंडी एक्ट था। मंडी एक्ट के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, पहले बताता हूं उनके बारे में। रहन के कानून वो था साहूकार किसी भी किसान का बल के ऊपर अंगूठा लगवा करके जमीन रहन कर लेता था और उसको बाद में ब्याज पर ब्याज लगा करके उसको कुड़की कर लेता था, मालिक दोबारा नहीं बढ़ पाता था किसान।
कर्ज का कानून भी वही था, बह लिखत की कर्ज थी वही मान्य होती थी कोर्ट में। उन्होंने वो कानून बनाए। अब मैं उस जगह आता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, रैबरे आजम क्यों कहा गया। जो कास्ट का कानून था, जो हमारा पंजाब आज पाकिस्तान में गया हुआ है, वहां पर जमींदारी प्रथा थी। एक एक जमींदार के पास कई कई हजार एकड़ जमीन होती थी और वहां का जो मुसलमान छोटा किसान था उसकी जमीनें वो कुड़क किया करते थे और उनसे मात्र खाने के दाने भी मुश्किल दिया करते। और जो कास्ट का कानून बनाया गया, जो जमीन उसमें कास्ट कर रहा था वो कास्तकारों के नाम कर दी गई। जब छोटे मुसलमान किसानों को वह जमीन मिली, वो उसको मालिक बनाए गए, तब उन्होंने लाहौर के अंदर एक सम्मेलन रखा और उन सम्मेलन में उनको रैबरे आजम की उपाधि दी गई। जब पूरे देश के कारखानेदार की कोई लिमिट नहीं होती थी, उसके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का शोषण करता था, चाहे वह 10 घंटे काम ले चाहे वह 12 घंटे काम ले, वो सर छोटू राम से जाकर के मिले कि हमारी जिंदगी नरक से भी बदतर है, हमारे को सोने का टाइम नहीं है, हमारे को नहाने खाने का टाइम नहीं है, कृपया हमारे बारे में भी चौधरी साहब कुछ सोचिए। उन्होंने कानून लेकर के आए और लेबर को 8 घंटे का अधिकार दिया कि आपकी दिहाड़ी 8 घंटे में पूर्ण होगी। जब यह कानून पूरे पंजाब के अंदर लागू हुआ तो मजदूरों ने मिलकर के एक सभा की और उस सभा में उनको दीन बंधु की उपाधि दी गई। सर की उपाधि लड़के ली थी, गिफ्ट में नहीं मिली थी। सर की उपाधि कब मिली? जिस एक्ट के लिए, जिस कानून के लिए आज हम लड़ रहे, जिन कानूनों का भी मैंने जिक्र किया, ये 4 कानून थे, सबके ड्राफ्ट टेबल किए गए, मेज पर रखे गए। उस समय की सरकार के अंदर भी बहुमत इन्हीं साथियों का था, पूंजीपतियों का, साहूकारों का बहुमत था उस कैबिनेट के अंदर भी। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून पास हो गए तो हम तो बिल्कुल मारे जाएंगे। सर सिकंदर आजाद खान ने कहा छोटू राम, वो उसको कई बार प्यार में छोटू खान भी बोलते थे, इस तरह तो हमारी सरकार टूट जाएगी। उन्होंने कहा मेरे को 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने का। वो कहने लगे क्या करोगे? मैं अपने भाईचारे को यह बात बता देना चाहता हूं कि मैं आपकी भलाई के लिए कुछ कानून लेकर के आया था और ये लोग मेरे को कानून बनाने नहीं दे रहे। अगर मेरा भाईचारा मेरा साथ देता है तो मैं ये कानून जरूर बनाऊंगा, और अगर भाईचारा अगर साथ नहीं देता है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तब बालोट गांव के अंदर एक रैली रखी गई, चौधरी लालचंद बालोट जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर प्रचार किया गया, इन्हीं कानूनों का प्रचार किया गया। उस रैली में उस समय मात्र पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी लालचंद के पास एक जीप होती थी, कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ियों में पैदल चल के उस रैली में 5 लाख किसान थे छोटू राम के साथ। 5 लाख किसे कहते हैं? आधी जनसंख्या है। और जेड़ी लेकर के आए थे, जेड़ी समझते हैं आप? 2 सिंगड़ों वाली होती है हरियाणा में, उसके हम जेड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो पता नहीं मेरे को। कांदा जो भी, जेड़ियों के नीचे से 1 किलोमीटर तक छोटू राम को निकाला गया। और जब से छोटू राम ने कहा था उस स्टेज के ऊपर, उस समय के मुख्यमंत्री थे कि मुख्यमंत्री जी मेरा भाईचारा मेरे साथ है, अगर अंग्रेज सरकार भी ये कानून लाने से रोकेगी मैं कानून जरूर लाऊंगा। तब उस समय बगावत से डर के अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी थी उस समय।
साथियों, एक ये छोटे से पद के लिए लड़ने वाले लोग, कोई एमपी एमएलए बन गया, हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं देवीलाल का फोटो लाके 10 एमएलए आ गए, आज पूरा जितना 100% उसका वोट है, दुष्यंत चौटाला की बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा आंदोलन में है और वो बेशरम आदमी कुर्सी पर बना बैठा है। और एक थे सर छोटू राम, एक मिनट में त्याग दिया करते थे, भाई ने एक उसका घटना का जिक्र तो किया मगर उसके लिए सर छोटू राम ने कितनी दिक्कत झेली वे नहीं बताया। जब दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था, लॉर्ड वासराय ने छोटू राम को बुलाया कि पंजाब की गेहूं चाहिए हमें और 6 रुपए मन चाहिए। छोटू राम ने कहा नहीं, हम 10 रुपए मन से कम एक दाना भी नहीं देंगे। वो कहने लगा ये छोटू राम ध्यान कर, तू गुलाम देश का नागरिक है, किसके सामने बोल रहा है। मैंने कहा ठीक, मैं वायसराय के सामने बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं लड़ नहीं सकता, मेरे पास सेना नहीं है, मगर मेरे पास मेरा भाईचारा है, एक के एक बाली को जला देंगे, एक के एक दाने को जला देंगे, आपको गेहूं नहीं देंगे। और उस समय कवि ने एक शेर कहा था, जिस खेत से किसान को रोट मसैयर ना हो रोटी, उस खेत की गंदम की हर बाली को जला देना चाहिए। यानी किसान को जिस खेत से रोटी ना मिले उसकी एक एक बाल को जला देना चाहिए, हमने जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती तो तू ले जाएगा। अंग्रेज ने देखा ये नहीं मानने वाला, नहीं देगा, तब 11 रुपए मण खरीदी गई थी। साथियों मैं आता हूं उस कानून के ऊपर जो आज के दिन जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये कानून भी उसके अंदर था, मंडी एक्ट के नाम से जाना गया, 1939 के अंदर लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि उस समय साहूकार धड़ियों के अंदर हमारा अनाज तोलता था, लेने के बाद अलग होते थे, देने के बाद अलग होते थे। हम जब उनसे अनाज खरीदते थे वो अलग कांडा था, हम जब अनाज उनको देते थे अलग कांडा था, और हमारी धड़ी के हिसाब से तोली जाती थी, 5 किलो की धड़ी होती थी, 5 शेर की। और साहूकार का तोलने का तरीका क्या था, हमारी कभी 14 धड़ी नहीं आने दी, 13 13 13, और जब 3-4 बार 13 कहना, हमारे कुम्हार भाई खच्चर रखते थे, गधे रखते थे, वो तब इतनी बार में चना खान लग जाते, कहना मार गदी के 13 14 ही नहीं होने दी कदे। उन्होंने देखी थी वो लूट, अपने आंखों से देखी थी, ना हमारे पास तोल का कोई अधिकार था, ना हमारे पास मोल का कोई अधिकार था। उन्होंने मंडी के अंदर लूट देखी, तब मंडी एक्ट को लाया गया, और उस मंडी एक्ट के अंदर 2 अधिकार हमारे को दिए गए जो आज तक मंजूर हैं, आज तक हमारे को। कहते मंडी के लिए क्यों लड़ रहे हो, मंडी हमारे को 2 चीजों का अधिकार देती है। जब किसान फसल लेकर के पहली बार मंडी में जाता है, मंडी का सेक्रेटरी लिखने के लिए आता है कि किस किसान की फसल है, अंदाजा कितने क्विंटल है। जब उस फसल की बोली होती है तो मंडी का सेक्रेटरी लिखने आता है कि इस किसान की फसल का क्या भाव मिला। वरना उस समय तो क्या होता था, ईमानदार व्यापार के लिए जगह नहीं थी, अगर कोई व्यापारी ईमानदारी भी करना चाहे नहीं कर सकता था, क्योंकि कहा कुछ जाता था दिया कुछ जाता था, 2 ब्याज के 2 लिहाज के 2 साहूकारे के 2 मनीम के 2 तोल के 2 नोक के 20% के टैक्स काट लिए जाते बिना मतलब के, कोई फड़का दरमादे का। अरे पुंधारी तो बने दरमादा किसान के, मुनीम तो रखे कटौती किसान के, फड़ तो बनावे कटौती किसान के। हमारे ऊपर कम से कम 10 तरह के टैक्स लगते थे मंडी के अंदर, सारे टैक्सों को समाप्त कर दिया गया और किसान को अधिकार दिया गया कि कोई भी किसान की किसी भी समय अगर कोई फसल तोल रहा है और वो गलत तोल कर रहा है, तुरंत रोक करके उसका तोल करवाया जा सकता है। यह अधिकार सर छोटू राम ने दिया था। अगर
कोई किसी भाव से अनाज लेता है और आपका हिसाब किसी भाव से करता है, उस रजिस्ट्री के अंदर लिखा होता था भाव। यह अधिकार हमारे को छोटू राम ने दिया था। साथियों, शायद समय ज्यादा लेगा, जगमोहन जी आगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, एक दो मिनट और बताता हूं। अगर सर छोटू राम ना होते तो भाखड़ा बांध नहीं होता, अगर भाखड़ा बांध नहीं होता हरियाणा पंजाब को पानी नहीं होता, हरियाणा अगर भाखड़ा बांध नहीं होता हरियाणा और पंजाब को जो आप बिजली ले रहे अनाज ये भी नहीं होती। ये उन्हों की देन है। आजाद भारत ने तो क्या किया था हमारे साथ, भाखड़ा का टैक्स लगाया था, वाटरमैन टैक्स 7 रुपए कर दिया था हमने। छोटू राम ने कहा था नहीं किसान से नहीं लेना, मगर परमात्मा को जल्दी प्यारे हो गए वरना वो भी नहीं देना पड़ता। जो हम सस्ती बिजली ले रहे हैं, पन बिजली परियोजना का प्रोजेक्ट जो भाक नंगल के अंदर लगा हुआ है, यह सर छोटू राम का दिमाग था। बाद में प्रचार किया गया नेहरू ने बनवाया, नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर सबको कर्ज मुक्त कर दिया गया। हरियाणा पंजाब के अंदर बई जला दी गई जो बार बार कर्ज वान कर रहे थे, ओली जलाई गई भाइयों की। हमारे को संविधान स्वाभिमान से जीना सिखाया, वो काम सर छोटू राम ने किया था, इसलिए हम हरियाणा के अंदर इनको छोटा राम के नाम से जानते हैं। छोटू नाम तो भाइयों में छोटे थे, हमारे हरियाणा के अंदर दो दो नाम होला, कालू छोटू मोटू लिल्लू, ये हमारे दो दो नाम होया करें भाई। असल नाम राम रिछपाल था, मगर ये चारों उपाधियां इनको मिली। हम एक और मैं बात बता दी, वो भूल गया जो सबसे महत्वपूर्ण थी। सर छोटू राम ने कहा था ए किसान, क्योंकि उस समय किसान अपनी ताकत खो चुका था, किसान अपनी शक्ति को पहचान नहीं सका था, हम जातियों में बांट दिए गए थे, धर्मों में बांट दिए गए थे। सर छोटू राम ने कहा था आवश्यकता से अधिक धर्म का नशा फीम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप किसान रहोगे आपको कोई टोकने वाला नहीं है, अगर आप हिंदू बनोगे मुसलमान बनोगे सिख बनोगे जाट बनोगे ब्राह्मण बनोगे गुज्जर बनोगे हीर बनोगे तो आपको बिखेर करके तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आज हमने उनकी इस शिक्षा को याद रखना चाहिए। इसलिए हरियाणा के अंदर ज्यादा धार्मिक नहीं होते हम, क्योंकि सर छोटू राम के अनुयायी हैं, परमात्मा को मानते जरूर है मगर ब्रेन वॉश नहीं हो रहा हमारा। एक बात और मैं आपको बताता हूं साथियों, जब हम अपनी ताकत भूल चुके थे, सर छोटू राम ने एक और शिक्षा दी थी हमारे को कि आ किसान आपके अंदर वो ताकत आप सत्तान से टकरा सकते हो, आपके अंदर वो वेग है जो आप बड़े से बड़े दरख्तों को उखाड़ सकते हो, आपके अंदर तूफान से ज्यादा शक्ति है, आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो, मगर एक शर्त है कि संगठन बढ़ाओ अपने दुश्मन को पहचानो। एक दोहा बड़ा मशहूर है, ए भोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख एक दुश्मन को पहचान ले। उन्होंने यही दो दुश्मन बनाए थे, दो दुश्मन यही बताए थे, एक धर्म और जाति के नाम पर हमारे को बिखेरने वाले लोग, दूसरे मंडी में बेच करके कर हमारे खून उतार चूसने वाले। हमारे को ब्याज का ब्याज लगा करके हमारे को तोल और मोल सही ना दे करके हमारी खाल उतारने वाले लोग, इनको पहचान करी थी उन्होंने। और दूसरा कहा था बोलना सीख ले, बोलना सीखने का मतलब यह नहीं कि वह बोलना ही नहीं आंदा, किसी ने बोलना खूब आ गाल बहुत दे दिया, लेकिन छोटू राम ने बोलने का क्या मतलब बताया था, जिस भाषा जो आज हम बोल रहे हैं, एकता करके हर जोर जुलम के टक्कर में खड़ा होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना, यह होता है बोलना। जैसे आज मोदी हमारे खिलाफ आया तो हमने बोलना सीखा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज कोई भाषण देने पहले ही बताया था, नहीं आया था सिर्फ छोटू राम के बारे में, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो हमारी सभाएं होती, हम इसी तरह भाषण देते हैं। साथियों मैं आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करूंगा, भ्रम में मत आइए किसी के उसमें, यह आंदोलन ना किसी जाति का है ना किसी स्टेट का है ना किसी
धर्म का है, यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष का है, यह सबका आंदोलन है, यह पूरे भारतवर्ष के किसान का आंदोलन है, यह पूरे भारतवर्ष के मजदूर का आंदोलन है, यहां तक पूरे भारतवर्ष की जनता का आंदोलन है। इसको हमने हर हालत में जीतना होगा। अगर यह आंदोलन हम हार गए तो समझना हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हर हालत में हम यहां से जीत करके जाएंगे, जीत करके जाएंगे। सिर्फ आपसे प्रार्थना, एकता बनाए रखिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। एक नारा लाऊंगा जी, मैं बोलूंगा सर छोटू राम, आपने कहना अमर रहे, अमर रहे।